तो दोस्तों सुबह के करीबन 3:30 बज रहे थे और मेरा दोस्त जस मुझे जगाने आता है। देखिए आप, और मैं उससे बोलता हूँ यार कि इतना पहले क्यों नहीं जगाया, अमर मतलब 3:30 बजे अमर जगाया उसने मुझे, फिर भी मैं उसको बोलता हूँ। अमर उठ जा भाई, ब्लॉक बनाने जाना है ना। कितना टाइम हो रहा है? 3:30 बजे सुबह के। अरे पहले क्यों नहीं बताया यार? उठ जा भाई, उठ जा। अब मैं जस्ट वॉशरूम जा रहा होता हूँ और ये जो सीन देख रहे हैं ये मेरे ऑफिस का सीन है। मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था, इसके लिए मैं वहाँ से ही डायरेक्ट गया था। अरे जस्ट भाई लोग जो मेरे हैं वो मुझे वॉशरूम तक कैप्चर करते हुए आते हैं, देखिए। और जस्ट फ्लो फ्लो में मेरे मुंह से गाली जरा के निकल जाती धोबी भी है। क्या? तो गाइस अभी हम चलते हैं इगतपुरी, अपनी जो है जर्नी शुरू करने दादर टू तपोवन, ओ सॉरी दादर टू इगतपुरी। तो वीडियो में आगे जुड़े रहें, चलो। तो सुबह के करीबन 4:58 हो रहे थे और मैं बोरीवली स्टेशन पे था। मैं अपनी लोकल ट्रेन का वेट कर रहा था, देखिए बोरीवली स्टेशन पे। और जस्ट जो है ट्रेन मुझे आती है, ट्रेन पर मैं उसमें बैठता हूँ। बट ट्रेन टाइम पास नहीं रहता, मैं सोचा थोड़ा वीडियो ही बनाता हूँ। उसके बाद हम कुछ समय में दादर पहुँच कहाँ जाते हैं, भेजो ना? 5:00 बज के देखिए 35 मिनट हो रहा दादर पे। और जस्ट उसके हमारी ट्रेन के आने के पहले ही एक ट्रेन आती है, लोकल ट्रेन। तो दोस्तों अभी जो है CSTM टू करजत लोकल ट्रेन आई है, इसके जस्ट पीछे ही हमारी ट्रेन जो है आ रही है, लेकिन इसमें काफ़ी भीड़ था। अब देखिए ये हमारी लोकल ट्रेन आ रही है, WCM का कोई इंजन है, मैंने ध्यान से देखा नहीं। ये है हमारी तपोवन एक्सप्रेस और इसमें मेरा D9 डिब्बा है, मीन्स, और उसमें सीट जो है वो 34 नंबर पर मुझे विंडो सीट चाहिए गाइस। इसके लिए मैं किसी और की सीट पे बैठा था, मैं आपको अभी अंदर जाके दिखाता हूँ। और काफ़ी मतलब चढ़ने में ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था ट्रेन में, सो थोड़ा टाइम लगा मुझे चढ़ने में। पर देखिए अभी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है और ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा था, अरे ओ सांबा 500 रुपये, पूरे 500 रुपये कुछ तो था ऐसा, आप पढ़ लेना वीडियो स्टॉप करके। मैंने जस्ट ऐसा फन के लिए डाल दिया है वहाँ पे, क्योंकि ऐसा स्टेशन पे लगा हुआ था, क्योंकि स्टेशन पे लोग गंदगी करते हैं इसके लिए। अब दादर ख़त्म हो गया है और वो देख रहे हैं आप कांच की बिल्डिंग, शायद आपको दिख रही होगी, यानी क्योंकि वो देखिए वो कोहिनूर स्क्वायर करके नाम है। और ये जो देख रहे हैं आप ये लग्जरी ट्रेन है, ये जो है इस समय काफ़ी बंद है पता नहीं क्यों, लेकिन काफ़ी अंदर से इंटीरियर इसका बहुत ही मस्त है। तो हमारा ट्रेन कितनी स्पीड में जा रहा है आप देख सकते हैं, 97 99, ये लगभग 104 105 को भी टच किया था, पर उस समय जो है मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाया था, इसके लिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। और अभी थोड़ी मशक्क़त के बाद हम पहुंचेंगे थाने स्टेशन, जो है हमारा मतलब समझ लीजिए कि दूसरा या फिर तीसरा, हाँ तीसरा हॉल्ट है हमारा जो है थाने, क्योंकि ये CST से चलती है और दादर उसके बाद थाने। तो थाने हम अराइव कर चुके हैं, अभी यहाँ पे कुछ पैसेंजर चढ़ेंगे, लोकली पैसेंजर होते हैं, फिर जो है ट्रेन डिपार्चर करेगी। और ये जो है मतलब एग्जैक्ट टाइम पे ही पहुँची थी, ज़्यादा डिले भी नहीं है ट्रेन, बोल सकते काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये, क्योंकि ये आपको करीब 1-1.5 घंटे के अराउंड जो है इगतपुरी तक छोड़ देती है। अरे देखिए कितना मस्त व्यू था वहाँ पे, देखते रहिए जनरी आगे तक की, ये हमें क्रॉस करती है। ट्रेन काफ़ी स्पीड में चल रही थी गाइस और जो है ना बारिश भी बहुत ही हो रही थी, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही थी। अभी जो है हम कल्याण पहुंच गए हैं, हमारा चौथा हॉल्ट देख सकते हैं आप कल्याण। यहाँ पर जो है ना मुझे सीट खाली करना पड़ा था, क्योंकि ये सीट किसी लेडीज़ का था, तो वो मुझे आके हाथ दिखाई कि ये सीट मेरी है, सो मेरी सीट भी खाली ही थी, वहाँ पे कोई बैठा नहीं था, सो मैं दूसरी साइड आ गया। तो ये देखिए कैसे ऐसा लग रहा है, देखिए हिल के ऊपर पूरे बादल आ चुके हैं, कितना एकदम मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जो था नज़ारा था वहाँ का, नेचर इज़
जब अगर नेचर को आपको देखना है तो आपको जरूर जाना चाहिए वहाँ पर एक ना एक बार, क्योंकि बारिश के समय में बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है वहाँ पर। और ये जस्ट हम पहुँच गए हैं इगत सॉरी कसारा के बीच में, और ये लगभग हम कसारा पहुँचने वाले हैं। देखिए पहुँच भी गए कसारा में, तो गाइस बहुत ही बारिश हो रही थी क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है। देखिए गाइस जो हमारी ट्रेन है ना उसमें पीछे बंकर लोकोमोटिव अटैच हुआ कसारा में, उसका मैं वीडियो आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि ट्रेन ज़्यादा समय तक रुकी नहीं थी और बारिश भी बहुत ही तेज़ी से हो रही थी। मेरे जो है ना कैमरे के पीछे जो लेंसेस हैं उस पर जो है पानी बार बार लग रहा था, मुझे बार बार साफ करना पड़ रहा था। देखिए बारिश की बूंदी आपको दिख ही रही होंगी यहाँ पे स्क्रीन पर हमारे, और जो है अभी जो है टनल आ रहा है तो उसका नज़ारा देखिए और मज़े उठाइए। देखिए कैसे ट्रेन निकल रही है, आप टनल काउंट करके नीचे कमेंट भी करना कि मैंने कितने टनल क्रॉस किए। ये देखिए ये तो मतलब फुल्ली डेंजरस दिख रहा था, अगर ये आप रियल में देखेंगे ना, कैमरे में तो पता नहीं कैसा दिख रहा है आपको, लेकिन अगर आप रियल में देखेंगे ना तो आपको अनुभव होगा कि मतलब कितना डेंजर है। और हमारी नसीब देखिए कि हमें जस्ट एक ट्रेन क्रॉस करते हुए दिख गई, वरना जल्दी ये किसी को दिखती नहीं, लग के ऊपर है। वो भी एक LHB कोच वाली ट्रेन जो कि दूर से ही दिख रही है। देखो यही तो फायदा है लाल रंग का कि ताकि दूर से ही दिख सके हमें। और इसके फेयर की बात करूँ तो मैं ये आपको, अगर आपको इगतपुरी तक जाना है CST से, आप ऑलमोस्ट 100 रुपये के अंदर ही आप वहाँ पर जाकर जा सकते हैं, मतलब काफ़ी सस्ता कॉस्ट है पर फिर भी अच्छा है, काफ़ी मस्त नेचर के दर्शन आपको हो जाएंगे। और ग्रुप में जाएंगे तब तो और ही मज़ा आएगा। और यहाँ पे इगतपुरी जाने के बाद ना आपको घूमने के लिए जो जो मतलब लोकेशन आप सोचते हो ना कि वहाँ पे जाने के बाद हम कहाँ जाएँ, तो मैं वीडियो में ही आपको एक इमेज डाल दूंगा, उसमें लिखा हुआ है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे वाटरफॉल है, कहाँ पे मंदिर क्या है। और ये देखिए गाइस ये तो फुल्ली डेंजरस, कितने मस्त नज़ारे हैं। बस अब से तो मतलब सब पहाड़ी इलाका ख़त्म हो गया, अब हम और इगतपुरी पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी नज़दीक हैं हम स्टेशन के। अरे जस्ट जो है हमारी ट्रेन जो है इगतपुरी स्टेशन पर आ रही है। देखिए इगतपुरी, देखिए काफ़ी बारिश हो रहा है यहाँ पर भी, और वो देखिए गुड्स ट्रेन लगी हैं उनके इंजन्स भी। अभी जो है हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, लोको पायलट जो है सिग्नल तो दे रहे हैं और ट्रेन जस्ट ही जो है निकलने वाली है। बस ट्रेन का ही देखिए हमारी ट्रेन का नंबर दिख रहा है 17। हमारी ट्रेन का देखिए नंबर दिख रहा है 17617 तपोवन एक्सप्रेस CST 2 नांदेड़। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो में जुड़े रहे और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और शॉर्ट्स भी देखते रहें। धन्यवाद। बहुत सारा मिस्टेक हुआ है।